कई बार लोग बाहर भी बैठे रहते हैं, दूर भी बैठे रहते हैं, लेकिन दूर बैठे बैठे भी कई बार लोग देख लेते हैं, दर्शन कर लेते हैं, और उस दर्शन से भी अपने आप सीख लेते हैं कि हमें जो सीखना था वो हमें मिल गया। क्या मिल गया? आज हमने गुरु का दर्शन किया और गुरु के दर्शन करते ही हमें सीख मिली कि देखो, हम तो अपना जीवन एक अलग तरीके से गुजार रहे थे, आज हमें पहली बार ये देखने को मिला कि जीवन ऐसे भी गुजर सकता है कि कोई साधु बिना किसी वस्त्रों के, बिना किसी आभूषणों के, बिना किसी क्रीम पाउडर के, बिना किसी प्रकार के अपने और शरीर को सजाने के जितने भी साधन हैं उनका उपयोग किए बिना भी अपना जीवन बहुत अच्छे ढंग से निकाल सकता है, ये हमें आज देखने को मिल गया। आपको नहीं, जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए कह रहा हूं, जो यहां नहीं बैठे उनके लिए कह रहा हूं। वो भी कभी देख करके इतना भाव अपने अंदर ले आते हैं। मान लो हम सड़क से गुजर रहे हैं, आदमी कार चलाते हुए जा रहा है, अचानक से उसकी दृष्टि पड़ जाती है, वो अपने मन में इतना विचार कर लेता है और उसके मन में एक संतोष का भाव पैदा हो जाता है कि दुनिया में ऐसे भी साधु महात्मा लोग हैं जो दुनिया के किसी भी चीज का आलंबन लिए बिना अपना पूरा जीवन गुजार लेते हैं, हमें अपने आप में संतोष करना सीख लेना चाहिए। ये कहना नहीं पड़ता। वो आदमी कार में ड्राइव करते हुए चला जा रहा है, अपने आप उसको उसी क्षण सीख मिल गई और उसी क्षण समझ लो कि वो शिष्य बन गया। क्या सुन रहे हो? जरूरी नहीं कि आप बन पाओ शिष्य। वो आदमी उसी क्षण शिष्य बन गया, क्योंकि यहां वही चीज लिखी है कि जिस क्षण पर तुम शिष्य बने, समझो गुरु आपके सामने है। और जब गुरु सामने होगा तो आप देखोगे वो कार चलाता हुआ चला जाएगा अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगा, लेकिन उसके सामने वो फिगर घूमती रहेगी। आज मैंने बड़ी कुछ अद्भुत चीज देखी, बड़ा सरप्राइज हुआ मुझे आज। समझ आ रहा है? ये जो सरप्राइज आएगा यही भाव उसके लिए दिन भर उसके साथ रहेगा। अपने ऑफिस में भी पहुंचेगा तो उसके दिमाग में वो चीज रहेगी, कहीं कुछ झगड़ा होने का चांस होगा, कुछ उसके कार्य में डिस्टरबेंस होने का कोई चांस होगा, तो उस समय पर भी वो अपने दिमाग में वो चीज लाएगा कि देखो आखिर जीते हम भी हैं और जीते वो भी हैं जिन्हें आज हमने सड़क पर देखा। उसे कुछ सिखाया नहीं, हमने उसको कुछ बोला नहीं, और हो सकता है कि उसने मुझे देखा हो, हमने उसको देखा भी ना हो, क्योंकि हम तो किस किस को देखेंगे। हमें अपने रास्ते चलना है, अपनी जमीन चार हाथ देखना है, और हमें उस रास्ते पर चलते हुए कितने लोग देखते हैं, हम सबको देखेंगे तो हमारा दृष्टिकोण बदल जाएगा, हमारा धर्म हमसे छूट जाएगा। उस व्यक्ति के लिए अपने आप ये भाव आ जाता है कि हमारे लिए भी ऐसा जीवन एक आदर्श जीवन है, और हमें अगर आज ऐसा दर्शन हुआ है तो इसका मतलब है कि ये जीवन किसी ना किसी रूप में चलता है, ऐसा जीवन हमारा भी कहीं ना कहीं बन सकता है, हमें भी थोड़ी साधुता का जीवन जीना चाहिए। ये सीख उसे अगर बिना कुछ कहे मिल गई और वो शिष्य बन गया, तो क्या आप विचार कर सकते हो कि गुरु का आशीर्वाद उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या समझ रहे हो? वैसे तो गुरु का आशीर्वाद सबके लिए मिलता है, लेकिन कुछ विशेष भी होते हैं जिनके लिए वह गुरु का आशीर्वाद मिलता है तो वह कम मिलता है। जिनके अंदर सीखने की क्षमता उसी समय पर जागृत हो जाती है, और वह सीखने की क्षमता जब जागृत जिस समय पर हो गई, समझ लो गुरु का आशीर्वाद उसके लिए उसी समय पर मिल गया,
उसी समय पर उसके अंदर और आगे बढ़ने का भाव आ गया और यही भाव उसको एक शिष्य पने के साथ जोड़ देता है। इसीलिए कहा जाता है गुरु का शिष्य के साथ जो संबंध होता है उसमें पुरुषार्थ शिष्य का होता है, गुरु का कम होता है।